मी फॉर एप्लीकेशन से कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें। स्पॉन्सरशिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जीवन में बहुत ज़्यादा आप सफलता प्राप्त करो, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, इसमें मैंने बताया है वोटर आईडी कार्ड में आप अपना एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हो, बदल सकते हो। आपके लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो अब मुझसे बर्दाश्त हुआ नहीं तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊँगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें हमको एड्रेस को अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे कि इसमें दो तरीके हैं, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले तो केवल ऑफलाइन तरीका था बदलने का, लेकिन अब जो है ऑनलाइन तरीका भी आ गया है। तो दोनों तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और ज़्यादातर लोग जो आजकल यूज कर रहे हैं ऑनलाइन तरीका यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए मैं आपको आज बताऊँगा वोटर आईडी कार्ड में अपना एड्रेस कैसे आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज करने या अपडेट करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान बना दिया है। अब आपको वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र में पता बदलने के लिए भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अलग अलग फॉर्म भरने की जगह घर बैठे ऑनलाइन अपने वोटर कार्ड का एड्रेस बदल सकते हैं। चुनाव आयोग ने लोगों की सुविधा को देखते हुए अपनी बहुत सी सर्विस को ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से घर बैठे वोटर आईडी के गलत एड्रेस को सही कर सकता है। अगर आपके भी वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस गलत है, या फिर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आसानी से वोटर आईडी कार्ड में सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन जो है इसका तरीका बताऊंगा, ऑफलाइन कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस को जो है चेंज कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को अपने वर्तमान पते के प्रमाण पत्र के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को दे दें। इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपकी सभी डिटेल्स के साथ आपका नाम पुराने क्षेत्र के निर्वाचन सूची से नए क्षेत्र के निर्वाचन सूची में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ एड्रेस बदलना चाहते हैं, तो वेरिफिकेशन के बाद आपका एड्रेस बदल दिया जाएगा। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर आ जाएगा, जो भी आप अपना एड्रेस दोगे। अब दोस्तों, मैं आपको ऑनलाइन तरीका से बता देता हूं कैसे वोटर आईडी कार्ड पर एड्रेस को चेंज किया जाता है। इसके लिए आप अपना जो है नया एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी अपने पास जरूर रखें, इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले जो है इस एड्रेस पर जाना होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वेबसाइट को जो है आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्शन रोल, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म 8 नाम का फॉर्म पेज ओपन होगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें, और जो भी वहां पर एस्ट्रिक मार्क वाली जानकारी है उसको भरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर एक बॉक्स होगा जिसमें आपको पता बदलने वाले कॉलम पर टिक करना है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। आपको यहां पर क्लिक करके इसको टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको वहां पर डाल देना है। फॉर्म भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, उसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में वोटर आईडी कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए इस रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा इसका वेरिफिकेशन होगा। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने और नया वोटर आईडी कार्ड जारी होने में करीब 30 दिन का समय लग सकता है।
वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड डाक के जरिए आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप घर से ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से कैसे अपने वोटर आईडी कार्ड पर एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और एप्लीकेशन से कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, स्पॉन्सरशिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हो, डाउट, एडवाइस हो, वीडियो को नीचे कमेंट में डाल दीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियो को आप वॉच कर सकें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।